हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैथ के कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्नों को सॉल्व कराएंगे और इन प्रश्नों को बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व कराएंगे। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर वन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन में क्या करना है, निम्नलिखित समीकरणों में यक्ष का मान ज्ञात कीजिए। इस प्रश्न में क्या करना है, यक्ष का मान ज्ञात करना है। ठीक है, देखिए दोस्तों, इन क्वेश्चनों को बताने के पहले हम आपको कुछ बेसिक चीज़ बता देते हैं। देखिए दोस्तों, यक्ष की पावर m है बराबर यक्ष की पावर n है, तो क्या हो जाएगा। देखिए दोस्तों, यक्ष यक्ष कट जाएंगे तो क्या बचेगा, m बराबर n बचेगा। ठीक है, उसी प्रकार क्या करेंगे, देखिए उसी प्रकार यक्ष की पावर 4 है इंटू यक्स की पावर 3 है, तो इसे क्या कर लेंगे। देखिए दोस्तों, समान आधार के घातों को आपस में जोड़ लेते हैं, तो इसका आधार समान है। ठीक है, तो इसको क्या कर लेंगे, आपस में जोड़ लेंगे, तो कितना हो जाएगा, यक्स की पावर कितनी हो जाएगी, 7 हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए कुछ बेसिक चीज़ आपने जान लिया, तो अब चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए दोस्तों, इसे कैसे सॉल्व करेंगे, क्या दिया, 2 की पावर 6x-3 = 8। ठीक है, तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे, 2 की पावर 6x-3, ठीक है, और क्या बराबर 2 की पावर 3। ठीक है, अगर 2 का पावर 3 करेंगे तो कितना, 8 ही होगा। ठीक है, तो क्या करेंगे, इनके आधार बराबर हैं तो क्या करेंगे, इनको काट देंगे। ठीक है, तो कितना बचा, 6x-3 = 3 हो गया। ठीक है, तो क्या करेंगे, 3 को 75 कर लेंगे, तो क्या हो जाएगा, 6x = 3+3। देखिए दोस्तों, -3 को 75 करेंगे तो +3 हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हो गया, 6x = 6, तो क्या कर लेंगे, x = 6/6, तो कट जाएगा, तो क्या आ जाएगा, x = 1 आ जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा, x = 1। देखिए दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ 1, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर दूसरे में क्या करना है, इसमें भी हमें x का मान ज्ञात करना है। तो चलिए दोस्तों, इसे कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए क्या दिया है, 2 की पावर 2x + 6 × 2 की पावर x - 3 = 64 दिया है। तो हमने आपको बताया कि देखिए दोस्तों, समान आधार के घातों को आपस में जोड़ लेते हैं। तो चलिए दोस्तों, पहले क्या करेंगे, इसे जोड़ लेते हैं, क्या हो जाएगा, 2 की पावर, देखिए दोस्तों 2x में x जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 3x हो जाएगा। ठीक है, और +6 दिया हुआ है और -3, तो क्या करेंगे, +6 में से -3 कर लेंगे, तो कितना बचेगा, +3 हो जाएगा। ठीक है, बराबर कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 64। ठीक है दोस्तों, अब क्या करेंगे कि 2 की पावर 3x + 3 = देखिए दोस्तों, 64 को क्या करेंगे, 64 को क्या करेंगे कि 2 की पावर 6 कर लेंगे। ठीक है, 2 की पावर 6 कर लेंगे तो हमारा 64 हो जाएगा। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, देखिए दोस्तों, इनका आधार बराबर है तो क्या कर लेंगे, इनको हम काट देंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 3x + 3 = 6, कितना हो जाएगा, 3x + 3 = 6। तो चलिए दोस्तों, इसे सॉल्व कर लेते हैं। देखिए अब क्या करेंगे, 3 को 75 कह देंगे तो कितना हो जाएगा, -3 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा, -3, तो कितना बचा, 3x = 3, कितना हो जाएगा, 3x = 3 हो जाएगा। तो यक्स बराबर क्या हो जाएगा, 3/3, तो ये कट जाएंगे। ठीक है, कट जाएंगे तो क्या हो जाएगा, x = 1 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, x = 1। देखिए किस ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर 1 में दिया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए में 1 दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर तीसरा देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर तीसरे में क्या दिया है, 3 की पावर x + 1 × 9 - 243 = 0। ठीक है दोस्तों, तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे, इसे बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व करेंगे। तो चलिए दोस्तों, इसे फटाफट सॉल्व करते हैं। तो क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ दिया है 3 की पावर x + 1, तो क्या 3 की पावर x + 1, ठीक है, इंटू, तो क्या कर लेंगे, 3 का क्या कर लेंगे, वर्क कर लेंगे, तो कितना हो जाएगा, 3 × 3 = 9। ठीक है, क्या हो जाएगा, माइनस यहाँ दिया है 243, तो क्या कर लेंगे, बराबर माइनस को क्या कर लेंगे, 75 कर लेंगे, तो कितना हो जाएगा, 243 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 243 हो जाएगा। ठीक है, तो हमने आपको बताया कि समान आधार की घातों को क्या कर लेते हैं, जोड़ लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, 3 की पावर कितना हो जाएगा, यक्स, और 1 में 2 जोड़ेंगे क्या हो जाएगा, +3 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा, 3 की पावर x + 3 = 243 को क्या कर लेंगे दोस्तों, 3 की पावर 5 कर देंगे। ठीक है, 3 की पावर 5 कर देंगे तो ये 243 के बराबर है। ठीक है, तो अब इसमें क्या करेंगे, इसमें क्या हो गया, इसका आधार बराबर हो गया, तो इनको क्या कर देंगे, काट देंगे। ठीक है, इनको काट देंगे तो क्या हो जाएगा, x प्लस
तीन हो जाएगा, एक्स प्लस तीन हो जाएगा बराबर पाँच हो जाएगा, एक्स प्लस तीन बराबर पाँच। ठीक है, अब क्या करेंगे कि तीन को पंचांतर कर लेंगे, तो क्या हो जाएगा एक्स बराबर पाँच माइनस तीन, कितना हो जाएगा एक्स बराबर पाँच माइनस तीन, तो क्या हो जाएगा एक्स बराबर दो, कितना बचेगा दो, क्योंकि पाँच में से माइनस तीन करेंगे तो दो बचेगा। ठीक है, किस ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर बी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर चार देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर चार में क्या दिया है, तीन की पावर यक्स प्लस तीन माइनस 243 बराबर जीरो। देखिए दोस्तों इसमें क्या करना, इसमें यक्स का मान ज्ञात करना है। ठीक है, और चार ऑप्शन दिए हुए हैं, इन्हीं में से किसी एक ऑप्शन को हमें सेलेक्ट करना है। तो चलिए दोस्तों इसे सॉल्व कर लेते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए क्या कर लेंगे, तीन की पावर यक्स प्लस तीन है, ठीक है, तो क्या कर लेंगे बराबर, ठीक है बराबर कर लेंगे। और देखिए दोस्तों माइनस 243 दिया है, तो क्या इसे पक्षांतर कर लेंगे, तो क्या हो जाएगा प्लस 243। ठीक है, तो प्लस को लिखा नहीं जाता है, ठीक है, तो कितना हो जाएगा 243। ठीक है, अब क्या करेंगे, तीन की पावर यक्स प्लस तीन हो जाएगा, ठीक है, और बराबर बराबर क्या करेंगे, तीन की पावर पाँच कर लेंगे, कितना कर लेंगे तीन का, कितना कर लेंगे तीन की पावर पाँच कर लेंगे, क्योंकि तीन की पावर पाँच 243 के बराबर है। ठीक है, तो चलिए इसे सॉल्व कर लेते हैं। देखिए दोस्तों तीन की पावर एक्स प्लस तीन दिया है बराबर तीन की पावर पाँच दिया है, तो समान आधार को क्या कर लेंगे, इनको आपस में काट देंगे। ठीक है, आधार को काट देंगे तो कितना हो जाएगा एक्स प्लस तीन हो जाएगा बराबर कितना बचेगा पाँच, यहाँ पर कितना हो जाएगा पाँच। ठीक है, अब क्या करेंगे कि तीन को पंचांतर कर लेंगे, तो कितना हो जाएगा एक्स बराबर पाँच माइनस तीन बराबर कितना हो जाएगा दो, कितना हो जाएगा दो, क्योंकि पाँच में से माइनस तीन करेंगे तो कितना हो जाएगा दो, और एक्स बराबर कितना आ गया दो। देखिए दोस्तों ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है दो, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर पाँच देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर पाँच में क्या दिया है, यदि तीन की पावर यक्स प्लस आठ बराबर 27 की पावर दो यक्स प्लस वन, तब यक्स का मान क्या होगा। देखिए दोस्तों क्या करना है, यक्स का मान ज्ञात करना है। ठीक है, और चार ऑप्शन दिए हुए, इनमें से किसी एक ऑप्शन को हमें सेलेक्ट करना है। तो चलिए दोस्तों इसे सॉल्व करते हैं। देखिए क्या दिया है, तीन की पावर यक्स प्लस आठ और 27 की पावर दो यक्स धन एक। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पहले इनके आधार को बराबर करेंगे, तो क्या हो जाएगा तीन यक्स प्लस आठ हो जाएगा। ठीक है, तीन की पावर यक्स प्लस आठ बराबर क्या कर लेंगे, तीन की पावर क्या कर लेंगे तीन, तीन की पावर तीन कर लेंगे और दो यक्स प्लस वन कर लेंगे। देखिए दोस्तों तीन की पावर तीन इसलिए किए क्योंकि तीन की पावर तीन भी करेंगे तो कितना 27 ही आएगा। ठीक है, क्योंकि तीन में तीन बार गुणा कर लीजिएगा तो 27 आएगा। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, देखिए दोस्तों अब क्या करेंगे कि तीन यक्स प्लस आठ बराबर क्या कर लेंगे। देखिए दोस्तों इन घाते के ऊपर जो घाते दी होती है उनमें क्या करते हैं, गुना कर लेते हैं, तो क्या कर लेंगे गुना कर लेंगे, तो कितना हो जाएगा तीन की पावर तीन दुना के छः यक्स हो जाएगा और प्लस कितना हो गया तीन एक ना तीन हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए दोस्तों क्या हो गया, इनके घातों में क्या कर लिया, गुना कर लिया। ठीक है, अब क्या करेंगे, देखिए इनके आधार बराबर हैं तो क्या कर लेंगे, इनको काट देंगे। ठीक है, अब इनको काट दिए तो क्या हो जाएगा यक्स प्लस आठ हो जाएगा बराबर छः यक्स प्लस तीन हो जाएगा। अब क्या करेंगे, देखिए दोस्तों छः यक्स को इधर पंचांतर कर लेंगे और आठ को इधर पंचांतर कर लेंगे, तो क्या हो जाएगा छः यक्स माइनस यक्स बराबर आठ। ठीक है, माइनस तीन कितना हो जाएगा आठ माइनस तीन। अब क्या करेंगे, छः में से एक यक्स घटाएंगे तो कितना बचेगा पाँच यक्स बचेगा, और देखिए आठ में से तीन घटाएंगे तो क्या हो जाएगा पाँच हो जाएगा। अब क्या करेंगे कि यक्स बराबर पाँच बट्टा पाँच कर लेंगे, और पाँच पाँच से कट जाएगा तो कितना बचेगा एक बचेगा, तो कितना आ गया यक्स बराबर एक आ गया। ठीक है, किस ऑप्शन दिया है, एक ऑप्शन नंबर ए में दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये पांचों प्रश्न आपको बहुत ही आसान तरीके से समझ में आ गए होंगे। अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए।